है तो पूछ सकते हैं। तो हमारे भाई प्रणाम, वंदे मातरम। भाई वंदे मातरम दीदी। भाई 3 पेशेंट है भाई। 3 पेशेंट है। हाँ, अभी ये ना मेरे भैया का फोन आया, उसको सुबह उसने जांच करवाई है डेंगू की, तो रिपोर्ट तो नेगेटिव है। 102 बुखार आ रहा है अभी तो, है ना, ठंड लग रही है और उल्टियां हो रही थी। अभी तो नहीं हो रही उल्टी, पर हो रही थी। तो मैंने तो मेथी दाने का अभी पानी बोला है भाभी को, मैंने अभी मेथी दाने का उबाल कर बोला है उसको, और वो सूंघने के लिए वो बोल दिया सिर दर्द कर रहा है, तो मैंने तेल ठीक है, ये मेथी मेथी दाने का। कभी, ठीक है भाई। हाँ मेथी दाने का ठीक है। जब भी कभी बुखार के साथ अगर उल्टी की समस्या है तो दालचीनी और लौंग को जरूर ऐड कर देना। उस मेथी दाने के अंदर हाँ उसी में डाल दो दालचीनी और लौंग। ठीक है भाई, तो 2 लौंग बोल दूं और दालचीनी थोड़ी सी 2 चुटकी बोल दूं? दो तीन चुटकी, 2-3 चुटकी दालचीनी, दो तीन लौंग, आधा ठीक है चम्मच मेथी दाना, एक जी, गिलास इतना ही पानी को बताया। उबाल के चौथाई रह जाए तो छान के उसमें थोड़ा शहद या मिश्री या खांड जो भी है मिला के पीना। हाँ ठीक है भाई, ये तो मैंने बोल दिया उसको, तो ये भी बोल देती हूँ। और भाई है ना, दूसरा है ना, किसी ने अभी मुझे बाहर से फोन किया है कि है ना, मतलब बवासीर जो है ना, मस्सा निकला हुआ है भाई। तो ऐसा है, आपको याद होगा आपने एक बार किसी की दीदी को बताया था उसके तो ब्लडिंग आ इसी रही थी पर तो भाई। ब्लीडिंग आ रही थी, लेकिन हमने उसमें एक बनाने वाला था ना कि सरसों के तेल में फिटकरी का बारीक पाउडर मिला के रखा था वो तो और मैंने फिर बोल उसको, दिया है, वो तो बोल हाँ, दिया भाई। और जो हमने उन्हीं में बताया था वही बादी में भी काम आता है मस्से पे जी लगाने के लिए वो, और उसी तरीके से आप वो बता दो तो आपको उसका हो जाएगा और बाहर में वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। और भाई एक और समस्या है कि है ना, जो संग्रहणी का मैंने किसी को बताया था ना, विलवादी चूर्ण और वो उसका, हाँ जी, तो उसका कोई फर्क नहीं है, मतलब वो 5-7 बार तो जाते ही है फ्रेश होने के लिए वो खाना खा के, तो वो डरते हैं खाना खाने से भी, तो वो थोड़े है उसमें मतलब इतनी बॉडी भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है मतलब, और 42 वर्ष के हैं करीब। ठीक है, एक बार उनको बोलिएगा मुझसे बात करने में। ठीक ठीक है भाई है, जी तो ये संग्रहणी रोग जो है ना, जिसको संग्रहणी का रोग होता है वो जी शरीर के बाद दिमाग में भी वो रोग पहुंच चुका होता है। अच्छा, तो भाई वो 12 साल से, कम से कम 10-12 साल से। तभी कह रहा हूँ ना, तभी दवाइयों का वो भी बहुत ज्यादा, लगभग लगभग 90% संग्रहणी के रोगी अगर 1 साल से ज्यादा रह जाते हैं तो एक तरह से वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं अच्छा और वो मानसिक रोगी में भी मतलब कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसे वो है नहीं था उसको, मतलब मानसिक रोगी नहीं कह सकते, लेकिन उसके दिमाग में बैठ चुका होता है बहुत सारी चीजें। और पीछे हम हाँ लोग सत्यवान जी बात कर रहे थे तो बहुत सारे बात की बात उन्होंने कई बार बोला भी था कि हाँ अभी शरीर का रोग नहीं रहा, अभी दिमाग का भी रोग बन गया है। हाँ वो उनके दिमाग में बैठ गया ना कि खाने से ये खाना खाऊं तो ये होगा, डर बैठ गया है जी भाई जी। अब ठीक है ऐसा भाई है, अब हम जिस तरीके से जिस बात पे हम आए थे कि अभी बैद जी हमारे साथ 18 तारीख के बाद आएंगे, तो जो हमें 5-6 दिन मिल रहा है, इस 5-6 दिन में रसोई घर के सर्वसाधारण औषधि
जो हर घर में उपलब्ध होती है। मैं उन औषधियों की बात नहीं करूंगा कि जो घरों में नहीं होती, जिसको बाहर लेके बाहर से लाना पड़ता है। हम इन 7 दिनों में हम उन औषधियों की बात करेंगे जो हर घर में होता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, कहीं भी हो, कोई भी हो। अगर वो यहाँ तक कि पेइंग गेस्ट टाइप में भी अगर कोई रहता है, तब भी उसके पास ये औषधि होती है। उन्हीं औषधियों के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से उन औषधियों से हम कौन कौन से अपने शारीरिक तकलीफों को और कई रोगों को नष्ट कर सकते हैं। इसमें से आज सबसे पहले हम जानते हैं जानेंगे नमक के बारे में। नमक नमक एक ऐसा है कि अगर मैं इसे कहूँ इस तरीके से कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जहाँ ये औषधि ना हो, चाहे वो राजा है, रंक है, सभी के घरों में ये होता ही होता है नमक। तो नमक से हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं, किन किन कष्टों को दूर कर सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा, बताऊंगा कि नमक से हम कौन कौन सी तकलीफों को दूर कर सकते हैं, नमक के क्या गुण धर्म है, क्या है आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, ये सारी बातें मैं नहीं करने वाला। मैं सिर्फ ये बातें बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में नमक है तो आप कौन कौन सी तकलीफों से बच सकते हैं और कौन सा रोग हुआ है, तो उसी वक्त अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तकलीफें खत्म हो जाती है। तो संक्षिप्त में जैसे मैं बताऊं कि नमक सबसे अद्भुत जो काम करता है वो नमक काम करता है लो बीपी में। अगर किसी को भी लो बीपी की शिकायत हो, कुछ नहीं मिल रहा है, तो नमक का घोल का शरबत बना के पिए, इससे लो बीपी की समस्या ठीक हो जाती है। या यूं कह लें कि जिन्हें भी लो बीपी की शिकायत रहती है उन्हें अपने भोजन में नमक की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और जिनको भी हाई बीपी की शिकायत है उनके लिए भी नमक बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते कि उन्हें नमक की मात्रा कम कर देनी है। अपने जितना भोजन में नमक लेते हैं उसमें नमक की मात्रा कम कर दें, तो यही नमक उनके लिए फायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने नमक को कम कर लिया। और नमक का स्नान, भाई राजीव दीक्षित जी के एक व्याख्यान में मैंने सुना था कि नमक स्नान करने से हाई बीपी की समस्या, जो उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, वो खत्म हो जाती है। और ये 2016 में जब पहली बार सुना तो 2017 के आसपास कुछ मुंबई के भाई बहन जुड़े थे, तो उनको मैंने बातें बताई, तो उनकी ये समस्या, हाई बीपी की समस्या, नमक स्नान करने से, यानी समुद्र के पानी में जाके स्नान करने से उनकी समस्या नष्ट हो गई। अगर आपके पास समुद्र नहीं है तो आप घर में ही एक एक से दो चम्मच पहले स्नान कर लें, उसके बाद 1 से 2 चम्मच नमक पानी में मिलाएं, जिससे इतने पानी में मिलाएं कि आपका पूरा बदन एक बार पानी की पूरी उससे डूब जाए, मतलब डल सके पूरे शरीर पे। और नमक का पानी डालने के बाद सर को छोड़ के डालना होता है, और उसके बाद उस नमक के पानी को अपने आप शरीर में सूखने दें। इस तरीके से अगर हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार स्नान करते हैं तो हाई बीपी की जो गोलियां चलती है वो गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये घरेलू उपचार जितने भी होते हैं, चाहे कोई भी घरेलू उपचार है जो कहते हैं कि रोगों को नष्ट करता है, तो जरूरी नहीं है कि हर घरेलू उपचार 100 में से 100 लोगों के रोगों को नष्ट करेगा। आराम, जो उसकी कष्टों में जो आराम होगा वो लगभग लगभग 80% लोगों तक के फायदे पहुंचाएगा, लेकिन पूरी तरह से रोग खत्म करने का घरेलू उपचार के पास कुछ ही प्रतिशत लोगों के पास होता है। मतलब 100 लोग अगर आपके पास हाई बीपी के हैं और उनको आपने हफ्ते में 2 दिन नमक स्नान कराया, तो लगभग यूं मान के चले कि 100 लोगों में से 2 दिन 100 लोगों का स्नान कराया, तो 80 लोगों को जो हाई बीपी की वजह से जो कष्ट हो रहे थे वो कष्ट नहीं होंगे, और 10 से 15 लोग ही हाई बीपी से मुक्ति पा सकते हैं। यानी बाकी जो दूसरे हैं उनको फिर अपने कुछ दूसरे उपचार वगैरह जो है वो आपको करना पड़ेगा। यानी रसोई घर का हर एक उपचार सभी के लिए रोग मुक्त नहीं बन सकता, लेकिन कष्ट में राहत देता है, ये सबसे अच्छी बात है। और शुरुआती अवस्था में ही रसोई घर को प्रथम औषधालय समझ कर अगर उसका उपयोग कर लिया जाए तो आगे वो रोग में तब्दील ही नहीं होता वो कष्ट। कभी भी किसी भी लिक्विड जो है, कोई जैसे दूध है, चाय है, पानी है, इनसे अगर
जल जाते हैं, गरम दूध से, गरम चाय से, गरम पानी से अगर जलते हैं, तो सबसे पहले जले हुए स्थान पर सरसों का तेल लगाकर उसको छिड़क दें तो छाले नहीं पड़ता है और ना ही जलन होता है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, मतलब लिक्विड वाले पदार्थों से जलने पर ही ये उपचार काम आता है। इसके साथ ही जलने पे बात हो रही, तो मैं बता दूं कि जलने पे कच्चा आलू बहुत ही असरकारक है। कच्चे आलू को पीस के लगाने से जले हुए का फफोला नहीं पड़ता, और फफोले पड़ भी गए हैं तो उसके जलन शांत होते हैं, जख्म जल्दी भर जाता है। उसके बाद आप नारियल तेल में रतन जोत मिला के लगाते रहते हैं तो उससे निशान भी नहीं पड़ते, निशान भी खत्म हो जाते हैं। सुबह की बासी लार लगाते हैं उससे निशान खत्म हो जाते हैं। ये कई सारे अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में कई बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा परीक्षित किया जा चुका है। कोई कीट, विषैली चीज, विषैला जीव अगर आपको काट देता है तो कटे हुए स्थान पे अगर नमक लगाते हैं तो इससे वहां पे जो सूजन होता है, दर्द होता है, वो नष्ट हो जाता है। 1 गिलास गर्म पानी में 2-3 चम्मच नमक मिलाकर उस घोल से अगर सिकाई करते हैं किसी भी कटी विषैले चीजों को काटने के, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया, सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अगर उसमें गर्म पानी में 2-3 चम्मच नमक घोल कर उससे सिकाई करते हैं तो इससे भी दर्द और सूजन उतर जाता है। चोट मोच, अगर चोट लग गई है, मोच हो गई, मोच आ गया है, हाथ पैरों में चोट लग गया है, मोच आ गई है, उससे सूजन आ गया है, अंग अंग को अगर मोड़ते हैं, अकड़ने की कोशिश करते हैं तो दर्द बहुत होता है। इस अवस्था में पानी के अंदर कम या ज्यादा मात्रा में पानी में 3-4 चम्मच नमक डाल के उबालें, फिर जब वो गुनगुना रहे तो ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना, उस जहाँ पे चोट लगी है उस जगह पे पतली धार गिराने से उस जगह, और उसके बाद उसे अच्छे से किसी कपड़े से ढक देते हैं चोट मोच के सूजन और दर्द नष्ट हो जाता है। गले में अगर खराश है तो गले में खिच खिच हो रहा है, गला दर्द कर रहा है, तो नमक को पानी में डाल के गरारे करने से यह कष्ट दूर हो जाता है। कहीं शरीर पे दाग धब्बे हैं, चाहे वो धूप के कारण किसी कारण से अगर दाग धब्बे बन गए हैं, उभा आ गए हैं, तो कच्चे दूध में नमक मिलाकर मालिश करने से वो निशान मिट जाते हैं। कच्चे दूध में अब मात्रा, अपने दूध कितना, कैसी जगह है, उसके हिसाब से आप दूध में नमक मिला के आप लगा सकते हैं। इसी नमक का उपयोग मिर्गी रोग, कई लोगों को मिर्गी की समस्याएं होती है, तो अगर ऐसे रोगी जो मिर्गी आती है तो उन्हें रोजाना 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर पीने से जो मिर्गी के दौरे आने की तीव्रता होती है, जैसे किसी को महीने में 1 बार आ रहा है और अगर वो नमक में 1 गिलास पानी में नमक मिला के पीते हैं तो ये 1 महीने में आके, 1 बार ना आके 1.5 महीने में, 2 महीने में, इस तरीके से उसकी आने की जो प्रक्रिया है उसके गैप आता जाता है। खांसी अगर आपको बहुत ज्यादा उठ रही है, कुछ नहीं आपके घर में है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो खांसी के दौरे को नष्ट करने के लिए नमक की डली को चूसना चाहिए, तो इससे खांसी का दौरा कम हो जाता है। जोड़ों में दर्द है, गठिया बाएं है, जोड़ों में दर्द है, तो तिल के तेल में नमक मिलाकर गर्म करके उससे मालिश करना चाहिए, इससे दर्द भी खत्म होता है, सूजन भी खत्म होता है। पेट दर्द हो रहा है तो अजवाइन को, थोड़ी सी अजवाइन लें, हथेली पे आपस में रगड़ लें थोड़ा सा, उससे अजवाइन थोड़ी गर्म हो जाएगी, उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला के गुनगुने पानी से फंकी ले लें। ऐसे बहुत अच्छा होता है कि आप अजवाइन को तवे पर हल्का सेक लें और उसके बाद नमक मिलाकर आप उसका सेवन करें, तो इससे पेट दर्द शांत होता है। अब कभी आपके पास तवा नहीं है, गर्म करने का नहीं है, तो आप उस अजवाइन को अपने हाथों में आपस में हथेलियों के बीच में रगड़, आपस में खूब अच्छे से रगड़ लें तो उससे उसकी गर्माइश आ जाएगी, और उसके बाद नमक मिला के आप अजवाइन का इस्तेमाल करें। जुकाम, अगर आपके जुकाम की शिकायत है, जुकाम हो रखा है, तो तुलसी के रस में नमक मिलाकर, मतलब नमक को इस तरीके से मिला देना है कि वो एक जान हो जाए, और उसकी एक एक दो दो बूंद नाक में टपका दें, इससे जो है आपका जुकाम
नाक बहने की जो शिकायत है वो खत्म हो जाती है। घी, देसी गाय का घी है, कोई भी घी आपके पास उपलब्ध है, बकरी का, भेड़ का, भेड़ी का, ऊँटनी का, हाथी का, मतलब जिसका भी घी उपलब्ध है, उस घी में नमक मिलाकर हल्का सा गुनगुना करके छाती और पीठ की मालिश करके उसके पीछे से आप सिकाई कर देते हैं कपड़े की पोटली बना के, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे 1 दिन का बच्चा हो, 10 दिन का बच्चा हो, 1 साल का, 10 साल का, 50 साल का, कोई भी हो, अगर इस तरीके से हम घी में नमक मिलाकर मालिश करके सिकाई करते हैं तो हमारे शरीर में जो कफ जो जमा होता है वो निकल जाता है। दांत में अगर पीड़ा हो रही है, दांत में दर्द हो रहा है, दाढ़ में कीड़ा लग गया हो किसी तरीके के, तो आप पानी में नमक मिलाकर उबाल के उससे कुल्ला करते हैं तो इससे दांत का दर्द खत्म हो जाता है। मसूड़ों में भी, मतलब दांत के मसूड़ों में ऐसी कोई चीज है, आप नमक है, हल्दी है, सरसों का तेल है, इसको मिला के मंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मसाज करते हैं तो मसूड़ों की तकलीफें, दांतों की तकलीफें ये खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा बदहजमी की शिकायत है तो ऐसे में आधा चम्मच काला नमक, अभी तक जो भी बातें हो रही थी उसमें अभी नमक की अलग नहीं किया गया था आप कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि अगर आप काला नमक लेते हैं और उसमें नींबू का रस निकाल के मिला के पीते हैं जिससे गैस और बदहजमी की शिकायत खत्म हो जाती है। पेट में कीड़े रहते हैं, बहुतों के बच्चों के बड़ों के कीड़े की शिकायत है तो आप काला नमक या सेंधा नमक भैंस की या गाय की छाछ में मिला के सुबह शाम या सुबह दोपहर 2 टाइम पीते हैं तो इससे पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। प्यास अगर बार बार लग रही हो, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा हो, प्यास शांत नहीं होता है तो इसमें नमक और नींबू का शरबत, नमक नींबू का घोल बना के शरबत बनाकर पीने से बार ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगने की शिकायत दूर होती है। थकान है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत पैदल चल रही है, दौड़ गए, दौड़ लिए, पैरों में सूजन आ गया, थकान रह रहा है, दर्द हो रहा है तो बड़े से भिगोने में, बहुत बड़े मतलब बर्तन में पानी को गर्म कीजिए, उसमें 4-5 चम्मच नमक डालें और उसमें पैर को रख के बैठ जाएं, इससे थकान दूर हो जाती है। छाले की शिकायत है, अगर आपके छाले की शिकायत है, बार बार छाला होता है या जीभ पे छाले हैं तो सरसों के तेल में नमक अल्प मात्रा में, नगण मात्रा में सरसों के तेल में नमक को अच्छे से घोल के पीस के, मतलब ऐसा एक जान कर दें कि, और उसको छालों पे लगा के लार को बाहर की तरफ टपकने दें, इससे क्या है कि आपके छाले ठीक हो जाते हैं। इस तरीके से हम नमक का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कई सारी समस्याएं, जैसे आपने जाना कि इस तरीके से हम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नमक हमें कौन सा लेना चाहिए आज के समय में, तो इस तरीके से हम बात करें तो हमें रिफाइंड नमक, रिफाइंड करी हुई कोई चीज नहीं लेनी है, चाहे वो रिफाइंड चावल हो, रिफाइंड नमक हो, रिफाइंड तेल हो, मतलब रिफाइनरी जो है रिफाइंड किया हुआ उसे इस्तेमाल नहीं करना है। सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है, काला नमक बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छा है सेंधा नमक, आप इसे किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने नमक के ऊपर बात करी, सेंधा नमक सेम उन्हीं सारी तकलीफों में काम आता है, सेंधा नमक है, काला नमक है। और एक किसी को अगर ये शिकायत हो कि मेरा मल जो है वो बंद कर नहीं आता, मल पतला आता है, बंद कर नहीं आता है, इसके लिए 1-2 लीटर पानी में एक से 2 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक कम या ज़्यादा अपना देख लीजिए और इसे पानी में डाल के घोल लें और इस पानी को पूरे दिन पीते हैं और 1 हफ्ते तक पीते हैं तो मल बंद के आना शुरू हो जाता है। अगर हम नमक का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे हम हाई बीपी की समस्या से, डायबिटीज से, लकवा से जैसे गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और इसमें नमक का उपयोग जो है रिफाइंड वाला नहीं होना चाहिए, सेंधा नमक। कई रोगों में हमें नमक खाने के लिए मना कर दिया जाता है, बहुत से ऐसे कहें कि आप नमक कम खाइए, नमक कम खाइए, उस कंडीशन में सेंधा नमक का इस्तेमाल हम हर रोग में कर सकते हैं।
कोई भी रोग है, सेंधा नमक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रोग में सेंधा नमक या काले नमक को मना नहीं है, लेकिन अगर जैसे फिर भी हाई बीपी या कुछ है, अब सेंधा नमक आपके सामने का नहीं, अपनी आंखों के सामने का नहीं बना हुआ है, पत्थर को आपने ला के खुद नहीं पाउडर किया है, तो आप प्रयास करें कि आप कुछ बीमारियों में जहाँ पे मना किया जाता है वहां पे आप मात्रा इसकी अल्प ही रखें, कम ही रखें। अब नमक का कुछ अलग उपयोग भी है, जैसे वर्षा ऋतु में कई सारी चीजें खराब होने का डर होता है, लाल मिर्च को खराब होने से बचाता है नमक। अगर हम उस पर नमक थोड़ा सा मिला के लाल मिर्च को रख देते हैं तो लाल मिर्च खराब नहीं होता। भिंडी है, कटहल है, लसोड़ा है, कुछ चिपेदार ऐसी सब्जियां हैं जिनको काटते समय हमारे हाथों में उसका गम टाइप का लग जाता है, उसे साफ करने के लिए सबसे अच्छा है पहले तो काटने से पहले अपने हाथों में सरसों का तेल लगा के अगर हम काटते हैं तो ये हमारे लिए अपने आप में फायदा है कि वो आपको उसके चिपचिपा जो है आपके हाथों में नहीं लगता है, और लग भी गया है उसे छुड़ाने के लिए नमक बहुत अच्छा है, नमक लगाकर हाथ धो ले, हाथ साफ कर ले, छूट जाता है। प्याज है, प्याज काटने के बाद कई बार गंध चाकू और छुरी से नहीं जा रही होती, उस पे नमक रगड़ देते हैं तो खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं नमक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रेशमी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े जो रंग छोड़ देते हैं, छोड़ने का डर हो तो उसे नमक मिले हुए पानी में आधे घंटे तक भिगो के रख देते हैं, उसके बाद उसे धोकर सुखाते हैं तो कपड़ा कभी रंग नहीं छोड़ता। फर्नीचर पे अगर कोई स्याही लग गया, दाग धब्बे लग गए और वो नहीं छूट रहा है तो नमक मिलाए हुए पानी से कपड़ा भिगो के उससे मलने से, उसे साफ करने से फर्नीचर के लगे स्याही दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। खैर आज के जमाने में तो नहीं है अब किसी के पास, लेकिन पुराने जमाने में लालटेन में जो पहले मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता था तो उस मिट्टी के तेल में नमक मिलाकर लालटेन जलाया जाता था, उससे उसकी रोशनी बढ़ जाती थी और रोशनी जो होती चमकीली हो जाती थी। गर्म पानी में नमक डालकर जो अपनी झाड़ू होते हैं, सीख वाली झाड़ू होती है, उसे अगर हम उसके आगे वाले हिस्से को गर्म पानी में, नमक मिले हुए पानी में डाल के उसे रख देते हैं तो उसकी जो झाड़ू की जो नोक होती है वो कड़ी हो जाती है, जिससे वो ज्यादा दिनों तक चलता है। जले हुए बर्तन, मतलब अगर बर्तन बहुत ज्यादा जल गए हैं तो अगर हम उसे नमक डाल के मांजते हैं तो जल्दी साफ हो जाता है। कई बार आपके घर आप टमाटर लेके आएंगे, टमाटर आपका इस्तेमाल नहीं हुआ और पीले हो जाते हैं, तो उसको सख्त करने के लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम ठंडे पानी में। ठंडे पानी में अगर बर्फ का पानी हो तो अच्छा है, नहीं तो ठंडा पानी, ठंडे पानी में नमक डालकर और उसमें 10 मिनट के लिए टमाटर को रख दें, टमाटर सारे सख्त हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने नमक के बारे में जाने कि नमक हम कहाँ कहाँ कमजोर, जिससे भी याद आया कि अगर किसी की नज़र कमजोर होती है तो उसमें भी हम नज़र कमजोर होने में, दूर होने में बहुत अच्छा काम आता है नमक का। संतरे के रस में, यानी कोई भी खट्टा रस, ऐसा रस जो खट्टेपन में हो, उसमें काली मिर्च और नमक मिला के पीने से नयन दृष्टि मजबूत होते हैं, आंखों की रोशनी तेज होती है। लीवर की समस्याएं, हमने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि लीवर फैटी हो गया, लीवर में ये दिक्कत है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया जाता है कि नींबू को 4 फाँक करके, एक फाँक में काला नमक, एक फाँक में 100
सौंठ, एक फाक में काली मिर्च और एक फाक में मिश्री, ये मिलाकर डाल के रात को रख दें, सुबह उसको हल्का गर्म करके चूसने से लीवर की समस्या, फैटी लीवर की समस्या जो है वो ठीक हो जाए होता है। तो कहने का मतलब कि हम जहाँ भी नमक, नमक का इस्तेमाल हो ही रहा है, बिना नमक के नहीं है। अगर किडनी की बहुत मतलब क्रॉनिक डिजीज हो तो इसके लिए पहले दिन जो है लगभग लगभग 250 ग्राम संतरे का रस, उसमें जरा सा सेंधा नमक डाल के पीना होता है। दूसरे दिन लगभग लगभग 400 ग्राम मतलब ml तक संतरे का रस, तीसरे दिन 500 ग्राम आधे लीटर तक। ये 3 दिनों तक हम नमक का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं किडनी के रोगी के लिए, जो किडनी की रोगी हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। चेहरे पे अगर झाइयाँ हो गई हो तो सिरका है, सिरके में नमक और शहद, जो भी सिरका उपलब्ध है उसमें नमक और शहद मिलाकर पेस्ट जैसा बनाना है। थोड़ा सा सिरका लेना है, थोड़ा सा नमक और शहद, और इसको पेस्ट जैसा बना के लेप लगा के थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से साफ करते हैं तो चेहरे की झाइयाँ नष्ट हो जाती है। पाइल्स की शिकायत है, अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है तो मूली, जो कि मूली लीजिए, मूली को चीर के 4 टुकड़े करें और उसमें नमक, काला नमक सेंधा नमक दोनों में से कोई भी नमक अच्छे से उसके अंदर लगा दें और रात को पूरी रात उसे कोस में रहने दें, यानी खुली हवा में ऊपर छत पे या कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे पूरी पूरी, घर के अंदर नहीं रखना है, बाहर रखना है, और उसके ऊपर हल्का सा कोई मलमल जैसा पतला कपड़ा रख दें ताकि कोई कीट पतंग ना आए, और सुबह उसको खाली पेट, एकदम खाली पेट इससे इस मूली को खा लें। इसके साथ मतलब इससे पाइल्स की जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये मूली वाला प्रयोग और रात्रि में रखने वाला प्रयोग वो इंसान ना करें जिन्हें जुकाम की शिकायत बार बार होती है और ज़्यादा होता है, वो ना करें। अगर बुखार हो रखा है, बहुत ज़्यादा बुखार है आपको, तो लगभग लगभग 1 ग्राम से भी कम नमक, जो भी है आपके पास काला नमक या सेंधा नमक, 5-6 तुलसी के पत्ते, इसको सील पे पीस दीजिए और इसको खा जाइए। तो बुखार में ये बहुत अच्छा काम करता है नमक और तुलसी। अगर आप काढ़ा नहीं बना रहे हैं, काढ़ा नहीं पसंद है, तो आप तुलसी और नमक को पीस के उसको सेवन कर लें। 2-2 घंटे से अगर आप सेवन करते हैं तो बुखार आपका, किसी भी तरह का बुखार हो, वो नष्ट होता है। कान में भी इसी तरीके से काम आता है। कान में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा पानी लीजिए, नमक लीजिए, उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए और उसकी 2-2 बूंदे कान में डालें। अब कोई लोग जैसे सरसों के तेल में लहसुन पका के हम कान में डालते हैं अपने दर्द को दूर करते हैं, नहीं, सरसों का तेल है, लहसुन नहीं है, लेकिन नमक और पानी तो हर घर में है। 1-2 चम्मच पानी लिया, 1-2 चुटकी नमक ली, उसको थोड़ा गर्म कर दिया, गर्म करके 2-2 बूंद नाक में डाल, कान में डाल दिए। अदरक है, अदरक का रस हल्का गर्म करके और थोड़ा सा शहद और नमक मिला के अगर उसे भी अगर कान में हम डालते हैं तो कान में, कान का जो रोग है, चाहे सनसन की आवाज़ आती हो, कान में दर्द होता हो, कान कम सुनाई देता है, उसमें अद्भुत काम करता है। ये सारी चीज़ें, वो ये सारे उपचार वो हैं जो हमारे परंपरागत दादी नानी के द्वारा किसी न किसी गाँव में, किसी न किसी घर में इनका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वो कई घरों में इस्तेमाल किया गया, तब जाके किसी न किसी पुस्तक में ये वर्णित है। मंजन बना सकते हैं नमक का, आपको मंजन आपको जैसे बताया कि सबसे सरल तरीके से भी है, सरसों तेल हल्दी और नमक लेके हम दांतों की मसाज करके हम अपने दांतों की समस्याओं से बच सकते हैं और उसे निरोग बना सकते हैं। अगर बहुत ही अच्छे तरीके से मंजन अगर बनाना हो तो इसमें आप हरड़ लेकर आएँ, बहेड़ा, आंवला, यानी त्रिफला लेना है। सीधी सी बात, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसका मतलब त्रिफला लेना है। त्रिफला के अलावा काली मिर्च, पिपली, लौंग और तूतिया एक आता है आयुर्वेदिक औषधि, उसको आग पे फुला के शुद्ध किया हुआ, काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, मांजू फल। अब इसमें जो है मात्रा वो
वो भी आपको बता दूं कि हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों बराबर, जितना भी आप लेते हैं उसके बराबर लेना है। जैसे एक एक चम्मच ले रहे हैं तो सारा एक चम्मच, काली मिर्च भी एक चम्मच, पीपली भी एक चम्मच, लवंग जो है वो चौथाई चम्मच, तूतिया जो है एक चम्मच का लगभग लगभग पांचवा हिस्सा, काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, ये चारों मिला के एक चम्मच होना चाहिए। मांजू फल एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये भी आपको एक चम्मच लेना है। इन सबको एकदम बारीक पाउडर, मंजन जैसा बारीक पाउडर बना दें, और इससे अगर सुबह शाम दोनों टाइम मंजन करते हैं तो दांत जो है वज्र के समान हो जाता है, वज्र के समान। डायरिया की शिकायत है, मसूड़ों में पील आता है, मवाद आता है, ब्लड आता है, इसमें नीम है, जामुन है, आम है, अखरोट है, इनकी छाल का बारीक पाउडर करके बराबर बराबर मात्रा में, इसमें सेंधा नमक और फिटकरी इनका आधा। अगर मान लिया कि सारी चीज़ें वो चार, नीम, जामुन, अखरोट और आम की छाल अगर 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो नमक और फिटकरी 25-25 ग्राम लेना है। नीला थोथा आग पे भुना हुआ ये लगभग 10 से 15 ग्राम। बादाम का जो छिलका है इसको जला के लगभग जितना ये सब है उसके बराबर बादाम के छिलके का पाउडर जलाया हुआ, इन सबको मिला के मंजन बना के रखते हैं, और इससे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पायरिया की शिकायत दूर होती है। अब इतना सारा चीज़ नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे नीम है, जामुन है, आम है, अखरोट है, कहाँ से छाल लेके आए, तीन लगभग इन सबके बराबर बादाम के छिलके कहाँ से लेकर आए, उसको जलाएं कैसे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको साइड कर दें। हमें जो आसानी से उपलब्ध है हमें उसे ही नियमित करना है। इस तरीके से नमक से हम बहुत सारे इलाज कर सकते हैं, और कल हम बात करेंगे तेल के ऊपर, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें तेल नहीं है, और आज हम बात किए ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे नमक नहीं है। देखिए, आप अगर आपके घर की सब्जी में, दाल में हल्दी नहीं है चलेगा, लेकिन अगर नमक नहीं है तो उस दाल और सब्जी चाहे जितना मर्जी सुंदर बना लीजिए, जितना मर्जी पनीर की सब्जी बना दीजिए, जिस मर्जी की बना दें, बिना नमक की उसकी कोई औकात नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो नमक सबसे सरल, और कुछ भी याद ना रहे तो नमक का एक फार्मूला याद कर लीजिए कि अगर किसी को लो बीपी की शिकायत है नमक का शरबत पिलाइए, लो बीपी दूर होता है। दूसरा फार्मूला ये याद कर लीजिए कि अगर कभी भी जल जाए तो सरसों का तेल डाल के उसके नमक बुरक दीजिए। ये बहुत ही आसान है, कम से कम दो उपाय तो आसानी से याद कर लें। ऐसे बहुत सारे लोग सर्दियों में नहीं नहाते हैं, और जो नहाते हैं उनके लिए मैं बताऊं कि अगर सर्दियों में नमक डालकर अगर स्नान करते हैं तो त्वचा बहुत ही अच्छी हो जाती है। फिर कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि रेशमी कपड़े को कैसे संभाल सकते हैं, उसका रंग उतरने से, ये कुछ चीज़ें हैं, और मैं बहुत ही जल्दी प्रयास करूँगा कि ये जितनी भी बातें हैं इसे लिखित रूप में स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेंटर में, टेलीग्राम के ग्रुप में एक पोस्ट के जरिए शेयर कर दिया जाए, और कर दूंगा, जिससे कि जरूरत पड़ने पे आप उसे अपने पास संभाल के रख सकते हैं। उसमें से अगर 10 चीज़ें आप पढ़ेंगे, 2 याद रहेगा, 5 याद रहेगा, 1 इस्तेमाल होगा, वो एक जो इस्तेमाल होगा वो आपके समाज में आने वाले लोगों के लिए एक परंपरागत चिकित्सा पैथी का एक फार्मूला और एक सूत्र मिल जाएगा। इसी के साथ मैं नमक का जिक्र कम करता हूँ, बंद करता हूँ, बताता हूँ। अब आप में से किसी को भी नमक से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो जो मुझे मालूम है और जो मेरी सोच है, एक भाई की सोच है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ना मैं कोई वैद्य हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा जानकार हूँ, बस ये है कि मेरा प्रयास यही है कि हम किस तरीके से अपने आने वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य खर्च को, आज के चिकित्सीय चिकित्सा जो व्यवसाय का बहुत बड़ा रूप ले रखा है, आने वाले समय में ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो
तो हम कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि तो अभी जो समय चल रहा है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ा दुख और तकलीफ है कि हर आदमी कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ करता है, हमारे पास सामने वाले की ऑथेंटिक नहीं पता कि वो क्या है नहीं है, और कई सारे बहनों को भाइयों को लूटते हुए देखा हूं मैं, तो इसलिए मुझे दर्द है और उसी दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं कि हम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान चलाएं, और इस जागरूकता अभियान में हर इंसान रसोई घर के बारे में जाने, वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ों का उपयोग के बारे में जाने। अगर हम हमारे रसोई घर में 10 चीज़ें ही पड़ी है, गरीब से गरीब घर में 5 चीज़ें पड़ी है, और उन 5 चीज़ों के औषधीय गुण और रोगों में इस्तेमाल करने की विधि को जानते हैं, तो पांच औषधि 50-50 रोगों में काम आ रहा है, तो आपको 250 कष्टों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 250 कष्टों का प्राथमिक उपचार आप घर बैठे कर सकते हैं। जब हम घर बैठे कर लिए तो बड़ी बीमारी में तब्दील होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसी प्रयास का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का प्रयास, और इसके तहत वैद्य निर्माण क्रांति रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, और अभी जो आप सुन रहे हैं और चल रहा है, जो ये चल रहा है रसोई घर संसद, अब हम संसद की तरह चिल्ला चिल्ला के बातें कर सकते हैं, सारे तर्क कुतर्क कर सकते हैं, किसी की कोई शंका संदेह है वो कर सकते हैं, जो चीज़ मुझे नहीं मालूम आप बताएं हमें, क्योंकि तो आप सब हमारे बड़े भाई बड़ी बहनें हैं, छोटे भाई छोटी बहनें हैं, आप लोगों के जीवन का जो अनुभव है वो अनुभवों के आधार पे ही हम औरों के विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में ग्लोबी न्यूज के सुमित आजाद भाई के द्वारा आरोग्य जगत और ग्लोबी न्यूज के माध्यम से जो एक सपना था कि हम मोबाइल ऐप हो और उस मोबाइल ऐप पे हर रसोई घर के परिचित उपचारों को पहुंचाया जाए, जो पोस्ट हैं जो लेख के रूप में ज्ञान जो मैंने इकट्ठे किए हैं, तो कई जगहों पे किताबों में पढ़ के उनको लिखा, कई सोशल साइट्स को पढ़ के लिखा और जाना, और उन्हीं सब का अध्ययन करके मैं और आप हम सब इस अभियान को कर रहे हैं, तो एक जगह उपलब्ध हो जाए, हर कोई पढ़ सके, हर कोई जान सके कि गोविंद भाई ने ये चीज़ बताया था तो कहाँ पे है, कहाँ लिखा हुआ है, कितनी, तो उस चीज़ के लिए एक जो हमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला सुमित भाई की वजह से, और वो 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है आरोग्य जगत मोबाइल ऐप। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप अपने मोबाइल में इस ऐप को, और एक राजीव दीक्षित ऑल इन वन मोबाइल ऐप, ये दो मोबाइल ऐप जरूर डाल के रखें, राजीव दीक्षित ऑल इन वन मोबाइल ऐप में डाल के अगर आप रखते हैं, क्योंकि तो मैंने आज तक जब से मैंने राजीव भाई को सुना है और अभी तक मेरे मोबाइल में सारे ऐप डिलीट हो सकते हैं, मेरे बैंकिंग के ऐप डिलीट हो सकते हैं, लेकिन राजीव दीक्षित जी का ऐप डिलीट नहीं होने देता, क्योंकि तो जब भी मुझे कभी कमजोर पड़ जाता था तो मैं राजीव भाई की, वहीं पे ऑडियो है अगर, क्योंकि तो मोबाइल में हमका कितना ऑडियो 8-8 मतलब इतने GB का होता है, तो हम वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन ऑडियो के रूप में सुन लेता हूँ और सुनता रहता था। इसी तरीके से अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी अपना ज्ञान बढ़ाएं और समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में सहयोग दें, आशीर्वाद दें, और सबसे ज़्यादा अनुभवों को इकट्ठा करके दें। अगर आपके आसपास के बगल में कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कुछ मालूम है, उनसे पूछ के आप हमें शेयर करें, हम उसे अपने जीवन में और लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारा प्रयास है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भैया जी नमस्ते। भैया नमस्ते। जी मेरे को पूछना है, नमक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे एक किसी एक ना लेट भाभी है, वो एडमिट है, मतलब उनका हीमोग्लोबिन 6 आ रहा है, तो क्या देना चाहिए उनको?
सबसे सरल तरीके में अगर आप उनको कुछ भेज सकते हैं, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप भेजने के लिए आप एक काम कीजिए, 2 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में 5-6 घंटे भिगो दें और उसे 1 कप रहने तक उबालें। उबालने के बाद उसको छान दें और छान कर उसमें गुड़ या शहद मिलाकर वो भेज दें। एक तरह से जूस हो जाएगा, एक तरह से शरबत हो जाएगा। सुबह और शाम इस तरीके से पिला दें, 24 से 48 घंटे के अंदर होमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाएगा और जो भी उनके शारीरिक कष्ट हो रहे होंगे वो शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएंगे। सबसे सरल ना मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप मुनक्का दो, ना मैं बोल रहा हूँ इसको गिलोय का रस बना के उसमें शहद मिला के ये चीजें दो। घर से जूस का पैकेट टाइप का तैयार करो, अगर हॉस्पिटल वाले नहीं भी अलाउ करते हैं तो उन्हें आप बाहर से बाजार का कोई भी जूस हो, जूस की पैकेट लेके आए, इसको बना के उस जूस में डाल दें और उसमें पाइप लगा के भेज दें। बोलिए जी दो दो भेज दो, एक सुबह और एक शाम पी लें आराम से सिप सिप करके। होमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा, शरीर में दर्द हो रहा होगा वो दूर होगा, कमजोरी हो रखा होगा वो दूर हो रखा, अगर चक्कर आ रहे होंगे तो चक्कर दूर होएगा। इस तरीके से मेथी का ये प्रयोग मतलब पीलिया लीवर जैसी समस्याओं को भी ठीक करती है मेथी का ये प्रयोग। अब भैया ऑपरेशन हुआ अभी उनका महीना पहले ना, तो दे सकते हैं ना मेथी, तो वैसे ही फायदा करेगी। हाँ जी ऑपरेशन हुआ है तो और ज्यादा बढ़िया है। तो जी जितना ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जितना भी कचरा है उसको साफ करने के काम आएगा और इससे कमजोरी नहीं आएगी। और ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है तो ये मेथी जब इस तरीके से ठंडे तौर पर दिया जाएगा तो उन्हें ये तकलीफ उनकी नहीं बढ़ने वाली कि ब्लीडिंग तेज हो जाएगी। जी और भैया एक चीज और, उन्हीं की बेटी भी एडमिट है, दोनों माँ बेटी एडमिट है, बच्चे को खांसी, ये सब बच्चों को खांसी जुकाम कोल्ड फीवर लगा हुआ, क्या करें? घर में भी हो रहा है, सब कुछ दे रहे हैं लेकिन आराम नहीं पड़ रहा। देखिए जब इतनी सारी जब तकलीफें हो तो आगे से ध्यान रखो कि जब बहुत ज्यादा हो तो सामने वाले को ही बोलो कि एक बार बात कर ले तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है भैया, जैसे बच्चे हैं, बच्चों की उम्र आपने बताई नहीं, बच्चे बोल दिया, अब बच्चे में तो 3 महीने भी बच्चा होता है और 3 साल का भी बच्चा होता है। बच्चे 3 साल और 10 साल, 1 साल, 3 साल, 10 साल, इन सबको यही मेथी वाला ही भेज दो। उनको बोलो सबको ये मेथी वाला दे दो, एक ही चीज बनाए और सबको दे। देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज दें कि जो उनका इलाज चल रहा है उसके साथ ही चले और असर करे और जल्दी से जल्दी वो दवाइयों से बच जाए। तो आप उनको बोलिए कि ये चीजें दे जाए, छोटा बच्चा है उसको 1 चम्मच दे, छोटा बच्चा है 1 चम्मच दे दे, बड़ा है 2-3 चम्मच दे दे, माँ है आधा आधा कप पी ले, एक एक कप पी ले। ठीक है भैया, और एक भैया भाभी है उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको मासिक धर्म ना हर 20 डेज में हो रहा है, वो कह रही है मतलब जल्दी जल्दी ब्लीडिंग नहीं है इतनी लेकिन जो टाइम पीरियड है वो बहुत जल्दी है 20 डेज। उनको धनिया का शरबत बना के, अच्छा धनिया वाली ओनली धनिया, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में आपको बोलना जरूरी है, भगवान ने 2 कान दिया और एक बीच में दिया, उसको थोड़ी देर चुप रहने दो, जब मैं बोल लूं ना समझ में आए तब फिर पूछ लेना। अभी मैंने धनिया बोला ही नहीं फिर भी अपना 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 बोलना शुरू कर दी। 1 चम्मच धनिया और 2 चुटकी फिटकरी रात को 1 गिलास पानी में भिगो दो, सुबह उसको अच्छे से मसल के छान के हल्का गुनगुना करके पिला दो और सुबह भिगो दो शाम को पिला दो। अगर ये भी नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो दुर्वा घास आती है बाहर रोड पे पार्कों में होता है, 2-4 मुट्ठी ले आओ, उखाड़ के उसको अच्छे से धो दो, साफ करके आधा कप पानी डाल के अच्छे से चटनी पीस दो और उसको छान दो, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के 1 कप सुबह और 1 कप शाम को,
7 से 10 दिन तक पिला दो। तो इस तरीके से मासिक धर्म जो होता है जल्दी जल्दी आने वाला वो नष्ट हो जाता है। जी भैया, ठीक है, धन्यवाद। भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, अभी किसी दीदी ने बवासीर के लिए पूछा था, मस्ते आपकी और आवाज कम बवासीर। आ रही है। हाँ, अब ठीक आ रही है? हेलो। जी हाँ, अभी किसी दीदी ने पूछा था बवासीर के लिए, तो मस्सा जो है वो बाहर आ गया है, तो उसके लिए क्या क्या करना है? सरसों तेल में फिटकरी पाउडर मिला के क्या करना है उसको? हाँ सरसों तेल लीजिए, फिटकरी का एकदम बारीक पाउडर करके उस तेल में मिला दीजिए। अगर लाल फिटकरी मिले तो बहुत बढ़िया, और इसे मिला के धूप में रख दें 5-6 दिन। उसके बाद इस तेल को छान लें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि तो बिना छाने अगर आप लगाएंगे तो जलन बहुत ज़्यादा होगी। तो छान कर अगर हम लगाते हैं तो मस्से अंदर चले जाते हैं, मस्से जो है सूख के धीरे धीरे, मतलब थोड़ा समय लगता है, ये 5 दिन 10 दिन और महीने वाला नहीं है कि महीने में और 10 दिन में ठीक होने वाला है, मतलब इस वाले उपाय से। लेकिन अगर इसको हम करते हैं तो 100% इसके परिणाम है इस उपाय का। जी, और इसके साथ कुछ करना पड़ता है या फिर बस यही एक चीज़ है? अगर कोई तकलीफ नहीं है, जलन नहीं है, दर्द नहीं है, चुभन नहीं है, पेट साफ सही से हो रहा है, सिर्फ मस्सा मस्सा रह गया तो सिर्फ लगा सकते हैं, इसी से ठीक हो जाएगा। और साथ में अच्छा, और राजी अगर भाई पीड़ा को सुन रहे। के, राजी भाई को सुन के पानी के नियमों का पालन करें। और अगर हो तो जी प्रणाम, वंदे मातरम। ये उसकी फिटकरी के पाउडर की मात्रा 2 चुटकी बहुत रहेगी 10-20 ग्राम तेल में? कम से कम 100 ml सरसों का तेल है तो 25 ग्राम फिटकरी का पाउडर होना चाहिए। लाल वाली फिटकरी आपने कहा है, लाल वाली फिटकरी कौन सी? वो सेंधा नमक तो नहीं कह रहे आप, जो नहीं डेले वाला नहीं होता है, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं? गुलाबी गुलाबी फिटकरी आती है और एक सफेद फिटकरी आती है, दो तरह की फिटकरी आती है। टूट ग्लास वही कह रहा हूँ ना, जो पार्क में आमतौर पर लगी रहती है, जो आपने मुझे दिखाई थी वहाँ पर, ये यहाँ पे एल्टीट्यूड डोरे में जो आम मतलब पार्कों में उगी रहती है, वही ना टूट ग्लास? हाँ जी, धूप घास वही है जिस पे आप जितना मर्जी पैदल चलो, जो मर्जी धांगो, फिर दोबारा बात आ जाती है। ऐसे ही हम कह लें कि जो हमारे यहाँ कोई भी पूजा होता है तो पूजा के लिए जिस घास को लाके मतलब चढ़ाया जाता है भगवान को, वो दुर्वा घास बोलते हैं, धूप घास, दुर्वा घास। भाई वंदे मातरम। भाई धन्यवाद दीदी। ये अभी आए हैं दुकान से तो ये बोल रहे हैं मुझे थोड़ा सा गैस टाइप लग रहा है, और ना मतलब भरा भरा सा लग रहा है ऐसे, जी मतलब अजीब लग रहा है। आप एक काम करो, अभी अभी आपने सुना है बदहजमी जैसा और अफारा में भी बहुत अच्छा काम करता है, पेट की समस्याओं में नमक बहुत अच्छा काम करता है। आप कुछ मत हाँ करो, 1 कप गर्म पानी करो, उसमें काला नमक सेंधा नमक जो भी हो मिलाओ, और थोड़ा सा नींबू का रस मिला के गर्मा गर्म उनको पीने को दो। जी या तो आप ये वाला उपाय करो या अजवाइन लो, हाथों पे मसल के ही गर्म करके उसमें काला नमक मिला के उन्हें चबा के खाने को दो, पीछे से हल्का गुनगुना पानी पिला दो। दोनों में से कोई एक उपाय करके, क्योंकि आज ही हम जाने हैं और आज ही हम इसका प्रयोग करते हैं, और कल आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, या हो सकता है रात तक ही आप ऑडियो क्लिप बना के भेज ही दोगी। मुझे मालूम है कि स्वस्थ समृद्ध परिवारों को फीस देने के मामले में, मतलब जो हमारी फीस है, जो हमारी सेवा शुल्क है, सहयोग राशि है, वो देने में सबसे उत्तम काम करने, मतलब सबसे तेज तरार उदयपुर की रानी है।
हाँ भाई अभी करती हूँ, क्योंकि बोल रहे नींबू का कुछ दे, तो अभी ये वाला कर देती हूँ, नींबू और नमक का कर देती हूँ अभी। हाँ, नींबू नमक बस। यहाँ पे मैंने थोड़ा गर्म पानी इसलिए बोला कि मौसम जो है इस टाइम पे ना बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात और सर्दी में ठंड में हर चीज हल्का गुनगुना लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। जी भाई, तो क्या खाना नहीं खाया ना? एक्चुअल में अभी आए तो वही भी ऐसा बोल रहे हैं, तो खाना भी मना कर रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं उनका फटाफट आप अभी तेज बता। हो, अभी दो रोटी फालतू मांग के खाएंगे जी। ठीक है भाई, जी धन्यवाद भाई। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज रसोई घर संसद को यहीं पे बंद किया जाता है। कल फिर दोबारा संसद का सत्र चलेगा। धन्यवाद।